मेरे आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नाजरीन, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है GAT General Preparation Set 4। सवाल नंबर एक है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डेस्पोटिक, यानी कि डेस्पोटिक का क्या मुतरादिफ है। तो इसका जवाब होगा, द सिनोनिम ऑफ डेस्पोटिक इज टायरेनिकल। डेस्पोटिक का मतलब है अनफेयर एंड क्रूअल रूलर, यानी कि जाबिर हाकिम, और टायरेनिकल का मतलब है एक्सरसाइजिंग पावर इन अ क्रूअल और आर्बिट्रेरी वे, यानी कि जालिम। इसे हम जुमले में ऐसे इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक वॉज डिस्टर्ब फ्रॉम द मर्सीलेस सोल्जर्स ऑफ डेस्पोटिक किंग हु ऑलवेज कैरिड स्वॉर्ड्स विद देम, यानी कि अवाम जाबिर बादशाह के बेरहम सिपाहियों से परेशान थी जो हमेशा अपने साथ तलवारें रखते थे। सवाल नंबर दो है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डेफ्ट, यानी कि डेफ्ट का क्या मुतजाद है। तो इसका जवाब होगा, द एंटोनिम ऑफ डेफ्ट इज क्लमजी। डेफ्ट का मतलब है स्किलफुल एंड क्विक इन मूवमेंट्स, यानी कि कारीगर या हुनरमंद, और क्लमसी का मतलब है ऑकवर्ड इन मूवमेंट्स और इन हैंडलिंग थिंग्स, यानी कि भद्दा या बेसलीका। इसे हम जुमले में ऐसे इस्तेमाल करेंगे, स्पाइडरमैन्स मूवमेंट्स आर डेफ्ट दैट ही कैन नॉट बी कैच्ड, यानी कि स्पाइडरमैन की हरकत बहुत फुर्तीली हैं कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता। सवाल नंबर तीन है, व्हाट इज द एनालॉजी ऑफ शार्ड टू सेरामिक, यानी कि देखिए शार्ड की निस्बत से जैसे सेरामिक है वैसे किसी और चीज की क्या निस्बत होगी। तो इसका जवाब है, आइलैंड टू आर्किपिलागो। शार्ड का मतलब है बर्तन का टुकड़ा और सेरामिक का मतलब है मट्टी से बने हुए बर्तन या जरूफ। आइलैंड का मतलब है जजीरा और आर्किपिलागो का मतलब है जजीरों का मजमुआ। तो जैसे शार्ड को मिला के सेरामिक बनता है वैसे बहुत से जजीरों यानी के आइलैंड्स को मिला के आर्किपिलागो बनता है। सवाल नंबर चार समरी कंप्लीशन का है, डायनासोर्स वर ऑल डिफरेंट साइजेस, सम डायनासोर्स वर डैश देन अ चिकन, अदर्स वेड एज मच एज 100 टन, मोर देन 10 टाइम्स एज मच एज द डैश। Dinosaurs did not have any hair, but their skin had a bumpy or dash surface. Some scientists believe that dinosaurs were grey or green in color, which helped them to dash. Other scientists think that dinosaurs were very dash. Bright colors would have helped males get the attention of females. Scientists have dashed dinosaurs into two large groups. The groups are based on the way our dinosaurs' innominate bones were dash. One group is the ornithischia or bird-hipped dinosaurs. Members of this group are dash ornithischians. The other is the saurischia or lizard-hipped dinosaurs. Members of this group are called saurischians. पैराग्राफ की खाली जगह हम इस तरह से पूर्ण करेंगे, डायनासोर्स वर ऑल डिफरेंट साइजेस, सम डायनासोर्स वर स्मॉलर देन अ चिकन, अदर्स वेट एज मच एज 100 टन्स, मोर देन 10 टाइम्स एज मच एज द मैमथ्स। डायनासोर्स डिड नॉट हैव एनी हेयर बट देयर स्किन हैड अ बम्पी और पेबली सरफेस। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट डायनासोर्स वर ग्रे और ग्रीन इन कलर विच हेल्प्ड टू कैमोफ्लाज। Other scientists think that dinosaurs were very colorful. Bright colors would have helped males get the attention of females. Some scientists have divided dinosaurs into two large groups. The groups are based on the way our dinosaurs' innominate bones were shaped. One group is the ornithischia or bird-hipped dinosaurs. Members of this group are called ornithischians. The other is the saurischia or lizard-hipped dinosaurs. Members of this group are called saurischians. इसका हम उर्दू में तर्जमा ऐसे करेंगे, डायनासोर मुख्तलिफ कद कामत के थे
कुछ डायनासोर्स एक मुर्गी से भी छोटे थे। दूसरों का वजन 100 टन तक होता था। पुराने वक्तों के बड़े कद के हाथियों से 10 गुना से भी बड़े। डायनासोर्स के कोई बाल नहीं होते थे, लेकिन उनकी जिल्द की सतह नाहमवार और पथरीली थी। कुछ साइंसदान इस बात पर यकीन रखते हैं कि डायनासोर्स सुरमई या सब्ज रंग के होते थे, जो कि उन्हें इर्द गिर्द के माहौल के साथ ढलने के लिए मदद देता था। दीगर साइंसदान ये समझते हैं कि डायनासोर्स बहुत रंगीन थे। शोख रंग नर को मादा की तवज्जो दिलाने के लिए मदद देते थे। साइंसदानों ने डायनासोर्स को दो बड़े ग्रहों में तकसीम किया है। डायनासोर्स के कूले की हड्डी की साख्त पे ग्रहों की बुनियाद है। एक ग्रुप ऑर्निथिस्किया या परिंदे के कूले की हड्डी वाले डायनासोर्स का है। इस ग्रुप के मेम्बरान ऑर्निथिस्कियंस कहलाते हैं। दूसरा सोरिस्किया या छिपकली के कूले की हड्डी वाले डायनासोर्स हैं। इस ग्रुप के मेम्बरान सोरिस्कियंस कहलाते हैं। सवाल नंबर 5 है, व्हाइल यूजिंग द ग्रामर फिल इन द ब्लैंक, यानी कि ग्रामर को इस्तेमाल करते हुए खाली जगह पूर कीजिए। अब मशरूम क्लाउड इज एन डैश मशरूम शेप्ड क्लाउड ऑफ डेब्रिस स्मोक एंड वाटर वेपर रिजल्टिंग फ्रॉम अ लार्ज एक्सप्लोजन। तो इसका जवाब होगा, अ मशरूम क्लाउड इज एन अनॉर्मस एंड डिस्टिंक्टिव मशरूम शेप्ड क्लाउड ऑफ डेब्रिस स्मोक एंड वाटर वेपर रिजल्टिंग फ्रॉम अ लार्ज एक्सप्लोजन, यानी कि मशरूम क्लाउड बड़े धमाके से बनने वाले मलबे धुएं और पानी के जरात का मशरूम की शक्ल का बादल होता है। सवाल नंबर 6 कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ का है। इजिप्ट हैज नो फॉरेस्ट, रेन इज ऑलमोस्ट अननोन, अ पुअर कंट्री वन वुड थिंक, बट मदर नेचर इज रिसोर्सफुल एंड इंपोर्ट्स रेन टू फर्टिलाइज द सॉइल। हर मेथड इज सिंपल, एज अ सोर्स ऑफ द नाइल इन अफ्रीका हाई प्लेटू द रेनी सीजन इज फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। टॉरेंट्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन डिसेंड ऑफन अकॉम्पनीड बाय ट्रमेंडस स्टॉर्म्स एंड टोर्नेडोस। द फॉरेस्ट आर देन स्मिटन एज इफ बाय सम गिग्नेटिक हैंड एंड द ग्रीन ट्री टॉप्स हैव अ वाइल्डली एज अ वेव्स इन हरिकेन। अ क्लोजर वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स। From thousands of years, the resulting flood water have brought down masses of mud, which have gradually formed the Egyptian valleys and produced fertile land. In the development of Egyptian culture, the Nile has always played the part of schoolmaster. The necessity of regulating the Nile flow made a knowledge of surveying essentials. The ancient Egyptian calculated the arrival of inundation by observing the stars. And the Nile may thus have initiated them into the study of astronomy. We know that they observed Sirius, a fixed star which is only 10 light years away from us. Its rising on the 19th July was the Egyptian New Year. The first calendar thereby came into existence. दिए गए पैराग्राफ का हम उर्दू में ऐसे तर्जमा करेंगे। मिस्र में कोई जंगल नहीं, बारिश तकरीबन ना होने के बराबर है। कोई सोचता होगा कि यह एक गरीब मुल्क है, लेकिन कुदरत वसाइल से भरी हुई है जो ज़मीन को सरखेज करने के लिए बारिश लाती है। इसका तरीक़ेकार सादा है। जैसा कि दरिया नील के सोर्स अफ्रीका की बुलंदी वाली सतह मुर्तफा पे बारिशों का मौसम जून से सितंबर तक होता है। गर्म इलाके की बारिशों के रेले अमूमन अपने साथ गैर मामूली तूफान और हवा के झक्कड़ लाते हैं, और जंगलात फिर जैसे किसी दियो का मद हाथ में मगलूब हों, और दरख्तों की सब्ज चोटियां ऐसे ऊपर की जानेब उठती हैं जैसे हरिकेन में हों। बादलों से हद से ज़्यादा पानी गिरता है। हजारों सालों से आने वाले सैलाबों के पानी ने मट्टी के ढेर लाए हैं, जिसने आहिस्ता आहिस्ता मिस्र की वादी बनाई है और जरखेज़ ज़मीन पैदा की है। तहजीब मिस्र के इर्तका में दरियाए नील ने हमेशा स्कूल के उस्ताद का किरदार अदा किया है। दरिया नील के बहने की बाकायदगी की ज़रूरत ने बुनियादी चीज़ों के मताले का इल्म बनाया। कदीम मिस्री सितारों के मुशाहदे से सैलाब के आने का हिसाब लगाते थे, और दरिया नील ने उनके इल्म में फल्कियात का आगाज़ किया होगा। हम जानते हैं कि वो सख्त सितारे का मुशाहदा करते थे जो एक मुस्तहकम सितारा है और हमसे सिर्फ 10 नूरी साल के फासले पे है।
19 जुलाई को इसका तलू होना नया मिस्री साल था। इस तरह पहला कैलेंडर वजूद में आया। सवाल नंबर एक है, Why is it not true that man is responsible for bringing water to Egypt? यानी कि ये क्यों दुरुस्त नहीं है कि मिस्र में पानी लाने के लिए इंसान जिम्मेदार है? तो इसका जवाब होगा, Because the only source of water in Egypt is Nile, which depends upon rain water in high plateau of Africa. इसका मतलब है कि क्योंकि मिस्र के पानी का वाहिद जरिया दरियाए नील है, जो कि मिस्र के ऊंचे सतह मुर्तफा की बारिशों के पानी पर इनहसार करता है। सवाल नंबर दो है, What makes the green tree tops heave like wave in a great storms? यानी कि एक बड़े तूफान की तरह दरख्तों की सब्ज चोटियों क्या उठाता है? तो इसका जवाब होगा, Torrential rains of tropical areas, which are often accompanied by tremendous storms and tornadoes, makes the green tree tops heave. यानी कि गर्म इलाके की तोगयानी लाने वाली बारिशें, जो कि अमूमन बड़े तूफान और हवाई झक्कड़ अपने हमरा लाती हैं, वो दरख्तों की सब चोटियों को ऊपर उठाती हैं। सवाल नंबर तीन है, How did the fertile Egyptian valleys came into existence? यानी कि मिस्र की जरखेज वादियां कैसे वजूद में आईं? तो इसका जवाब होगा, Soil brought by the flood water from many centuries has formed Egyptian valleys. यानी कि कई सदियों से सैलाब के पानी के साथ आने वाली मिट्टी ने मिस्र की वादियां बनाई हैं। सवाल नंबर चार है, In which two ways the Nile played the part of schoolmaster? यानी कि किन दो तरीकों से दरियाए नील ने स्कूल के उस्ताद का किरदार अदा किया है? तो इसका जवाब होगा, It has played the part of schoolmaster by developing Egyptian culture and becoming the cause for Egyptians to learn astronomy. यानी कि मिस्र की तहजीब के इर्तका और मिस्रियों को इल्म फलकियात सिखाने के लिए उसने स्कूल के उस्ताद का किरदार अदा किया है। कॉम्प्रिहेंशन का पांचवा सवाल है, What part did the star Sirius play in the making of the first calendar? यानी कि पहला कैलेंडर बनाने में सग तारे का क्या किरदार है? तो इसका जवाब होगा, The appearance of Sirius as a sign of flood arrival became a cause for Egyptians' new calendar. यानी कि सैलाब के आने की निशानी के तौर पर सग तारे का जाहिर होना मिस्री नए कैलेंडर बनने की वजह बनी। सवाल नंबर सात एनालिटिकल रीजनिंग का है। फ्रॉम अमंग फाइव डॉक्टर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 फोर इंजीनियर्स GH, K एंड L एंड 6 टीचर्स MN, O, P, Q एंड R सम टीम्स आर टू बी सिलेक्टेड ऑफ दीज 1, 2, G, H, O, P, Q are females and the rest are males. The formation of the teams is subject to the following conditions. यानी के पांच डॉक्टर 1, 2, 3, 4 और 5 चार इंजीनियर GH, K और L और 6 असातजा MN, O, P, Q और R में से कुछ टीमें बनानी है, जिसमें से 1, 2, G, H, O, P, Q फीमेल हैं, बाकी मेल हैं। दी गई शराइत को सामने रख के टीमें बनाएं। कंडीशन नंबर वन है, वेयर एवर देयर इज अ मेल डॉक्टर देयर विल बी अ फीमेल टीचर। यानी कि जहां पे भी मर्द डॉक्टर होगा उसके साथ फीमेल उस्तानी होगी। कंडीशन नंबर टू है, वेयर एवर देयर इज अ मेल इंजीनियर देयर विल बी अ फीमेल डॉक्टर। यानी कि जहां पे भी कोई मर्द इंजीनियर होगा उसके साथ फीमेल डॉक्टर होगी। कंडीशन नंबर तीन है,
there shall not be more than two male teachers in any team. یعنی کہ کسی بھی ٹیم میں دو سے زیادہ مرد استاد نہیں ہوں گے. دی گئی سٹیٹمنٹ سے ظاہر ہے کہ جب ایک دو جی ایچ او پی کیو فیمیل ہیں تو تین چار پانچ کے ایل ایم این اور آر میل ہیں. سوال کو حل کرتے ہوئے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک رف پیپر پہ ڈاکٹر انجینئر اور اساتذہ کے نمبر لگا کے ان کے اوپر چھوٹا سا ایم یا ایف لکھ دیں تاکہ ہر نمبر پہ نظر جاتے فوراً پہلے معلوم ہو جائے کہ کون میل ہے اور کون فیمیل اور کس حساب سے ترتیب دینی ہے. سوال نمبر ایک ہے If a team consists of two doctors, three female teachers and two engineers, how would be the members of the team? یعنی کہ اگر ایک ٹیم میں دو ڈاکٹر ہیں تین استانیہ ہیں اور دو انجینئر ہیں تو ٹیم کے ممبران کس حساب سے ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہوگا There would be number 1, 2, O, P, Q, G and H. سوال نمبر دو ہے If a team consists of three doctors, two teachers and two male engineers, how would be the members of the team? یعنی کہ اگر ایک ٹیم تین ڈاکٹر دو استاد اور دو مرد انجینئر پر مشتمل ہے تو ٹیم کے ممبران کس حساب سے ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہوگا There would be number 1, 2, 3, K, L, M and P. سوال نمبر تین ہے If a team consists of two doctors, four teachers and one engineer, how would be the members of the team? یعنی کہ اگر ایک ٹیم دو ڈاکٹر، چار استاد اور ایک انجینئر پر مشتمل ہے تو ٹیم کے ممبران کس حساب سے ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہوگا The team members would be number 1, 2, H, M, O, P and Q. سوال نمبر چار ہے If a team consists of two doctors, two teachers and two engineers, how would be the members of the team? یعنی کہ اگر ایک ٹیم دو ڈاکٹر، دو استاد اور دو انجینئر پر مشتمل ہے تو ٹیم کے ممبران کس حساب سے ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہوگا The team members would be number 1, 2, G, H, O and P. سوال نمبر آٹھ quantitative reasoning کا ہے A military jeep and a car are going the former at the speed of 40 miles per hour the latter at the speed of 60 miles per hour how much time longer does it take to drive 1 mile by the slower vehicle یعنی کہ ایک فوجی جیپ اور ایک کار کہیں جا رہے ہیں جیپ کی رفتار 40 میل فی گھنٹہ ہے اور کار کی رفتار 60 میل فی گھنٹہ ہے آہستہ چلنے والی گاڑی ایک میل سفر طے کرنے میں کتنا وقت زیادہ لے گی تو چلیے سوال حل کرتے ہیں D is equal to R multiplied by T یعنی کہ ڈسٹنس برابر ہے ایوریج سپیڈ ملٹیپلائی بائی ٹائم کے تو اس حساب سے ٹائم برابر ہوگا ڈسٹنس اوور ایوریج سپیڈ کے تو فوجی جیپ کا ایک میل سفر طے کرنے کا ٹائم معلوم کرتے ہیں فارمولا کے مطابق ٹی برابر ہے 1 مائل اوور 40 مائل پر آور اس حساب سے 1 اوور 40 آرز برابر ہوگا 1 اوور 40 ملٹیپلائی بائی 60 منٹس تو جواب آئے گا 1.5 منٹس ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں تو 1.5 منٹ برابر ہے 90 سیکنڈز کے تو فوجی جیپ ایک میل سفر 90 سیکنڈز میں طے کرے گی یہی فارمولا اب ہم کار کے لیے استعمال کر کے اس کا ٹائم معلوم کریں گے
इसके लिए टाइम बराबर है 1 mile over 60 miles per hour. 1 over 60 hours बराबर है 1 over 60 multiplied by 60 minutes. हम जानते हैं कि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो इस हिसाब से कार एक मील एक मिनट यानी के 60 सेकंड में तय करेगी। इन दोनों के वक्त में फर्क मालूम करने के लिए हम जीप के वक्त से कार का वक्त निकाल देंगे, तो जवाब आएगा 30 seconds. So military jeep takes 30 seconds more than the car. यानी के फौजी जीप कार से 30 सेकंड ज्यादा लेगी एक मील सफर तय करने के लिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।